यस हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज बुक्स। हम आ चुके हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। जैसे कि आपको पता है कि आज 28 दिसंबर है और फर्स्ट सिप का एग्ज़ाम रिव्यू हम लेने आए हैं। तो बताने वाले हैं कि किस तरीके का पैटर्न आ रहा है जीके में, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस आ रही है, करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछी जा रही है। बस कुछ ही देर में, 5 मिनट के बाद में स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो एक एक से हम रिव्यू लेंगे। तो बने रहना आप चैनल के साथ में। तो फर्स्ट सिप का एग्ज़ाम छूट चुका है, तो हम जानेंगे कि कैसा लेवल था और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो कैसा एग्ज़ाम गया आपका? एग्ज़ाम मेरा सही गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स के थे, मैथ के भी थे और अपने भारत हिस्ट्री के भी थे। लगभग एग्ज़ाम इतना कठिन नहीं है इतना अपन सोच रहे हैं। एग्ज़ाम आज का नॉर्मल आया था, बिल्कुल हमारे लेवल का एग्ज़ाम था। जैसे हमने तैयारी की थी, हमने जैसी उम्मीद की थी, ऐसा एग्ज़ाम आया। तो जैसे कि हम बात करें कि कोई जीके का क्वेश्चन याद है आपको, किस कोई भी जीके का, करंट का या फिर साइंस का? हाँ, जीके का क्वेश्चन याद है। साइंस का आया है कि मतलब विषाणु से कौन सा रोग होता है, ऐसे एक्स टाइप क्वेश्चन आए थे। और अपने अभी जो यूथ खेल हुए थे कौन से स्टेट में हुए थे 2020 के, ये आए थे। तो जैसे कि स्टैटिक जीके की बात करें, तो स्टैटिक जीके से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? स्टैटिक जीके से अपने भारतीय जो इतिहास है उसमें से कुछ क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट में जो क्वेश्चन आए थे भारतीय हिस्ट्री में से आए थे। तो टोटल कितना अटेम्प्ट किया आपने पूरे पेपर में? मैंने किए थे 84। 84 में से क्या बोलेंगे कितने राइट हैं? वो तो अभी आंसर की बात पता चलेगा कितने राइट नहीं। लगभग जैसे कि हम बात करें कि आपने 84 अटेम्प्ट किए हैं, तो लगभग 80 या 75 तक परफेक्टली राइट है। मेरे 75 सही है। 75 तक सही है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम एकदम बेस्ट हो गया सर। एकदम मतलब लेवल के अकॉर्डिंग पेपर, मतलब थोड़ा सा लो लेवल चल रहा है और बाकी पेपर अच्छा हो गया। हमें पेपर अच्छा हुआ। तो कोई भी जैसे कि मैथ रीजनिंग किसी भी पार्ट में एकदम इजी आ रहा है? सब एकदम इजी है। नॉर्मल मैथ आ रही है, नॉर्मली रीजनिंग है और जीके भी नॉर्मल आ रहा है, ज़्यादा नहीं। ओके, जैसे कि रीजनिंग की बात करें कि कई बार क्या होता है, रेलवे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो इस बार भी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, वैसा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर वो लुप्त संख्या वाले क्वेश्चन ज़्यादा रीजनिंग चल रहा है, मतलब मिसिंग नंबर से क्वेश्चन ज़्यादा पिटअप हो रहा है। वैसे ओके, टोटल कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 85। 85 में से कितने राइट बोलेंगे? 75 प्लस है। 75 प्लस राइट है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। ओके सर। नाम आपका? राम निवास। सर, कैसा लेवल आ रहा है एग्ज़ाम में? लेवल तो बहुत इजी आ रहा है। जैसे जीके भी इजी है, मैथ बहुत इजी है, रीजनिंग भी इजी है। ठीक है। और जैसे कि हम जीके की बात करें, तो जीके में करंट अफेयर से और साइंस से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? साइंस से काफ़ी आ रहे हैं। लगभग कितना नंबर बोले? साइंस से 10 के लगभग आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं। और कर कैसा एग्जाम गया? बहुत बढ़िया गया। सर, मैथ्स में कैसा पैटर्न आ रहा है? नॉर्मल है, सिंपलीवेशन है वगैरह ज़्यादा है, मेंसुरेशन के एक दो प्रश्न है, टेक्नोमेट्री के 2-4 प्रश्न। ओके, मतलब ओवरऑल हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। पजल्स हैं, 4-5 पजल्स आई थी। ओके, और रीजनिंग में सर कैसे बोलेंगे कि स्टेटमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर मिसिंग नंबर ज़्यादा आ रहे हैं? स्टेटमेंट के 2 हैं और बाकी सीरीज के हैं 3-4 प्रश्न और कुछ 4-5 पजल के हैं। नॉर्मल है। और जीके की बात करें, तो जीके में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? जीके में ना हिस्ट्री है ना पॉलिटिकल है। जो ट्रेडिशनल जीके है उसमें नहीं है, बाकी कुछ मिक्स सब सा है कुछ अलग। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की बात करें, तो इन पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या फिर साइंस और करंट अफेयर से आ रहे हैं? नहीं, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल का तो एक भी प्रश्न नहीं था, हिस्ट्री का एक प्रश्न था, बाकी जनरल जो सामान्य जीके है वो आती है, जो आपके बेसिक नॉलेज से मैंने कुछ करंट के प्रश्न है, 8-10 प्रश्न करंट। कोई क्वेश्चन याद है सर जीके में आपको? जैसे पानीपत का 2nd वार था। ओके, वो है। और यंगेस्ट प्रेसिडेंट 2 प्रश्न। और टोटल सर कितना अटेम्प्ट किया आपने इस एग्ज़ाम में? मैंने 86 किया। 86 में से क्या बोलेंगे आप, कितने राइट हैं? 2 या 3 गलत है, बाकी सारे 2 या 3 गलत है, मतलब 83 तक सर के बिल्कुल राइट हैं। बिल्कुल। चलिए सर, ऑल द बेस्ट आपको मेंस के लिए। थैंक यू। सर, कैसा एग्ज़ाम गया? एग्ज़ाम मेरा तो अच्छा गया वैसे, बाकी मैंने बंदों से बात करी, वो बता रहे थे एवरेज उनके 72-75 थे, बाकी मेरा अटेम्प्ट तो 91 है। 91 में से सर आप क्या एक्यूरेसी बोलेंगे, कितने राइट हैं? मेरे एक्यूरेसी देखो, 2-3 क्वेश्चन मुझे लग रहे थोड़ा डाउटफुल, बाकी राइट ही है एक तरह, मतलब 88 तक आप बोल सकते हैं कि परफेक्टली राइट है। हाँ, परफेक्टली राइट है। ओके सर, कोई क्वेश्चन याद है क्या आपको जीके में? जीके में सर मैं बता देता हूँ, कोई रिसेंट एक क्वेश्चन आया था, पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ है, एक्चुअली मैंने पढ़ा था कि मुझे वो याद नहीं है, मैंने वो अटेम्प्ट भी नहीं करा। जो भी मेरे क्वेश्चन छूटे वो जीके में 2-4 क्वेश्चन छूटे, बाकी मैथ्स हलवा आ रही है और रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन है जो कि आपको लग सकता है डाउट होंगे, तो बाकी सब इजी। मतलब मैथ और रीजनिंग कहीं पे भी परेशान नहीं किया? नहीं किया। मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज जो लॉजिकल टॉपिक है, उसमें कुछ लॉजिक्स एडवांस है फिर बेसिक है?
बेसिक से आ रहे हैं, बस थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन थे मिसिंग नंबर सीरीज़ में, जिसमें से आपको टाइम लेना पड़ सकता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो उसके हिसाब से आप आराम से अटैम्प्ट कर लोगे आराम से। हाँ सर, कितने अटैम्प्ट किया आपने पेपर में? सर 62 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। 62 में से पूरे 62 राइट है आपके? लगभग एक दो गलत और पूरे राइट है। हाँ सर, आपने कितने अटैम्प्ट किए? 50 अटैम्प्ट किए, और क्या आप बोलते हैं 50 में से कितने राइट हैं? 40। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए सर आपने? 70 में से कितने राइट बोलेंगे? 60। हाँ सर, आपने कितने अटैम्प्ट किए? मैंने 86 अटैम्प्ट किए। 86 में से कितने राइट हैं? सर आइडिया नहीं है अभी। सर मैं ये बता रहा हूँ। हाँ सर, आपने? सर मैंने ये बताया, 98 क्वेश्चन किए थे सर मैंने। 98 में से कितने राइट है सर? सर 70 क्वेश्चन ऐसे ही है हमारे। ओके। हाँ सर, आपने कितने अटैम्प्ट किए? अपना सारे हैं। सारे कर दिए, और सारे में से कितना राइट बोलेंगे? राइट मान लो 70 के लटे पट्टे। ओके, चलिए सर, थैंक यू। रोक ना, चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सर कितना अटैम्प्ट किया आपने एग्जाम में? 86 क्वेश्चन किए मैंने। 86 मतलब 86 आपने अटैम्प्ट किया, और क्या एक्यूरेसी बोलेंगे 86 में? एक्यूरेसी पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल सही था पेपर। ओके, ज़्यादा वो नहीं था। ठीक है, और जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? इससे पॉलिटी से शायद एक दो क्वेश्चन आ रहा है, एक दो नॉर्मल आ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें साइंस और करंट अफेयर्स में कितना पोर्शन आ रहा है? शायद 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-4 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है, ऐसा ही आ रहा है। और मैथ्स में एडवांस से काफ़ी डर लगता है स्टूडेंट्स को, तो एडवांस में ऐसे भी क्वेश्चन आया क्या आपके? एडवांस में 2-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं था। मतलब क्या नाम है आपका? अंकित, अंकित विश्व। अंकित जी, कैसा गया एग्जाम? इट्स ऑल गुड, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। ओके, मतलब एक एवरेज आप बोल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली टोटल कितना अटैम्प्ट रहा इसमें अपना? अपना अप्रॉक्सीमेटली 79 अटैम्प्ट करें। किसी पोर्शन में कोई दिक्कत थी क्या? जैसे कि मैथ, रीजनिंग या जीके? रीजनिंग थोड़ी हो सकती है, और मोस्ट प्रॉब्लम तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि है ना, ईजी है, बट थोड़ा सा बस फोकस करने की ज़रूरत है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। Okay. अब जो भी आगे के एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बेसिक्स थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, टाइम ज़्यादा पढ़िए, कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मतलब बेसिक पे थोड़ा सा काम कीजिए। हाँ हाँ जी सर, कोई मैथ्स रीजनिंग में कोई क्वेश्चन याद है क्या? कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सर? बहुत इजीली आए हैं, बस जोड़बाजी गुणा भाग इतने इस लेवल के आए हैं, बहुत इजीली है। जिसने अच्छी तैयारी की है ना, वो आराम से 80+90 तक अटैम्प्ट कर सकता है पेपर। 90 तक अटैम्प्ट कर सकता है, मतलब बहुत इजी पेपर कह सकते हैं उसको। हाँ, इजी पेपर कह सकते हैं सर इसको। ओके, और जीके में कोई क्वेश्चन ऐसा रहा जो मतलब ऐसा लगा कि अरे तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का आ गया? सर जीके जितना पढ़ा है ना, उस हिसाब से कह सकते हैं कोई हाई लेवल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया हाई लेवल। सब बेसिक आए हैं। कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी, जैसे करंट अफेयर्स का या फिर साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपको याद हो? सर DRDO संबंधित एक दो सवाल पूछे थे, अब एग्जिट नहीं बता सकते, लेकिन दो क्वेश्चन DRDO से पूछे थे। ओके, और जियोग्राफी से एक पूछा था। ठीक है, एक कंप्यूटर से पूछा था, PCU वाला, जो कि कंप्यूटर का मास्टर चीज़ें कहते हैं। okay. तो वो PCU, एक PCU से पूछा था, ऐसे कुछ क्वेश्चन है सर। ओके, तो सर टोटल कितना अटैम्प्ट किया आपने इसमें? 86 में से क्या बोलेंगे एक्यूरेसी, कितने राइट है? सर मान अभी तो कह सकते हैं सर 70+ राइट है, मतलब 70+ आपके राइट है। हाँ, यस। चलिए सर, ऑल द बेस्ट आपको मेंस के लिए। थैंक यू सर। हाँ सर, कितने अटैम्प्ट किया आपने एग्जाम में? हाँ सर, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए सर? 70। 70 में से कितने राइट है सर? मिनिमम 65। 65 राइट है। ओके, हाँ सर, आपने कितने अटैम्प्ट किए? 78 सर। 78। 78 में से सर कितने राइट बोलेंगे? ये सर 72-73 होंगे सर। कैसा लगा लेवल पेपर का? लेवल तो सर सरल ही हो, लेकिन मतलब टाइम कम पड़ जाता टाइम। चलिए सर, ऑल द बेस्ट। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत ही इजी आ रहा है, आपने थोड़ी भी प्रिपरेशन किया तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।